नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग क्यू में एक और वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग क्यू और स्टैक दोनों के बारे में देख चुके थे, क्यू में और स्टैक में किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं और किस तरीके से उसको एरे और लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक। मतलब क्या हो गया कि हम बनाएंगे तो क्यू को, लेकिन कोई एरे और उसके यूज करके नहीं, स्टैक का यूज करके। मतलब स्टैक का यूज करके हम लोग क्यू के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कृपया ये चीज रहेगा कि आखिरी तक आप लोग इसको देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर होकर समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। अभी हम लोग यहाँ पर क्या है कि क्यू और स्टैक के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग क्यू और स्टैक के प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यू को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इट्स अ फीफो। फीफो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे कि एक साइड से हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएंगे और दूसरे साइड से वैल्यूज को डिलीट करते जाएंगे, यही चीज होता है। और दूसरा चीज स्टैक होता है जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों मेरा एक ही डायरेक्शन से होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिफो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चीज है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग फीफो के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे लेकिन यूजिंग अ लिफो। आखिर लिफो का यूज करके हम लोग फीफो के प्रॉपर्टीज को किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखते हैं पहले कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक ऑपरेशन लिए हैं उसमें हम लोग बोल रहे हैं इनक्यू करना है क्यू को। इनक्यू करना है क्यू में तो कितना वैल्यू से, वन। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोलकर रखे हैं, रेयर और फ्रंट। रेयर और फ्रंट दोनों का वैल्यू कहां पर होता है, माइनस वन पर। क्लियर है। अब इस जगह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनक्यू कर रहे हैं। जैसे एक वैल्यू हमको डालना होगा तो रेयर और फ्रंट मेरा कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। रेयर भी यही आ जाएगा, फ्रंट भी यही आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा, वन, यही चीज होगा। इस चीज का जैसे हम लोग ये चीज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो था, यहाँ से ये सब गायब हो जाएगा मेरा। मतलब जो मेरा रेयर ऑफ फ्रंट माइनस वन पर दिखा रहा था वो अब यहाँ पर नहीं दिखाएगा। क्लियर है। इसी चीज को अगर हम लोग इसमें स्टैक में बात करेंगे तो मेरा यहाँ से इंसर्ट होगा तो मेरा वन कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर। क्लियर है। अब यहाँ पर अगला हम लोग का वैल्यू क्या है, अगला वैल्यू है फोर। अगर हमको इनक्यू करना है फोर को तो हम लोग क्या करेंगे, रेयर को यहां से हटाकर रेयर को यहां पर लेकर आएंगे, रेयर मेरा यहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, इनसे फोर। इसका मतलब क्या हो गया, रेयर यहां से मेरा क्या हो गया, रिमूव। क्लियर है। इसी चीज को क्यू में अगर हम लोग स्टैक में अगर हम लोग करना चाहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला वैल्यू क्या है, इनक्यू कर रहे हैं फाइव को, तो मतलब रेयर मेरा इस जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइव। तो रेयर इस जगह से क्या हो गया, रिमूव। क्लियर है। अब एक ऑपरेशन आ रहा है डीक्यू, तो यहाँ पर भी हम लोग एक काम करते हैं, फाइव इंसर्ट ही कर देते हैं, फाइव हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग के पास एक ऑपरेशन आ रहा है डीक्यू का। डीक्यू के ऑपरेशन को अगर हम लोग बात करें तो डीक्यू का ऑपरेशन में हम लोग क्या हो जाएगा कि जैसे डीक्यू करेंगे तो हम लोग का फ्रंट आगे की ओर आ जाएगा, फ्रंट यहां पर आ जाएगा और यहां से क्या होगा कि ये वैल्यू मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहां से फ्रंट भी मेरा गायब हो जाएगा, फ्रंट और रियर यहां पर आ जाएगा। इस जगह से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो मेरा फाइव डिलीट होगा क्योंकि ऊपर से डिलीट होगा, लेकिन हमको डिलीट क्या करना है, वन को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैक के बदले में हम लोग दो स्टैक का यूज करते हैं। दो स्टैक का जैसे यूज करेंगे तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम किए कि अब हमारे पास दो स्टैक आ गया। दो स्टैक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग के पास आएगा तो हम लोग ये सब जितने भी मेरे पहले से वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, इस स्टैक में से इस स्टैक में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे, पहले फाइव को ट्रांसफर करेंगे तो फाइव मेरा नीचे आ जाएगा, फिर फोर को ट्रांसफर किए, फोर मेरा इधर आ गया, फिर वन यहाँ पर आ गया, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, वन को पॉप कर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफर करने का लॉजिक सिर्फ यही चीज था कि मेरा जो सबसे लास्ट में वैल्यूज था वो सबसे ऊपर आ सके, और जैसे ही वो सबसे वैल्यू ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसका ऑपरेशन करके यूज कर सकते।
क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग किस टाइप के एल्गोरिदम्स को हम लोग लगा सकते हैं और एल्गोरिदम के बाद हम लोग किस तरीके से सारा ऑपरेशन कर इस टाइप को के यूज करके हम लोग किस तरीके से क्यूब बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑपरेशंस देख रहे हैं और जो ऑपरेशंस है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि सारा काम सब करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेशंस है इस ऑपरेशंस में हम लोग क्या करके रखे हुए हैं, इनक्यू का एक ऑपरेशन लिखे हैं और डीक्यू का एक ऑपरेशन लिखे हैं। इनक्यू और डीक्यू के ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस के हम लोग लेकर रखे हुए एग्जाम्पल, हम लोग क्या क्या चीज करना है और उसके हिसाब से एक ओरिजिनल क्यू है उसमें किस तरीके से इंसर्ट होगा और दो स्टैक लेकर रखे हुए हैं और ये दोनों स्टैक का मदद करके हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनक्यू के ऑपरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू मेरे पास आएगा तो इनक्यू करते हुए लिए तो हम लोग स्टैक वन में वैल्यू डाल देते हैं, क्लियर है। और डीक्यू में हम लोग क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं स्टैक टू मेरा एम्प्टी है तो स्टैक वन से सारा वैल्यू स्टैक टू में डालेंगे, मतलब स्टैक वन का सारा वैल्यू स्टैक टू में डालेंगे अगर स्टैक टू एम्प्टी है तब, और फिर स्टैक टू से वैल्यू को पॉप करेंगे, क्लियर है। और अगर स्टैक टू एम्प्टी नहीं है, स्टैक टू अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टैक टू से पॉप कर लेंगे, क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग के पास क्या आया है, इनक्यू आया है। इनक्यू में क्या है कि 11 को करना है तो 11 को जैसे करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल क्यू के अंदर में मेरा क्या हो जाएगा, फ्रंट और रेयर दोनों मेरा कहां पर होगा, वन पर होगा, मतलब कि जीरो इंडेक्स पर होगा, इसमें क्या आ जाएगा 11। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इन क्यू का ऑपरेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुश टू स्टैक वन, मतलब स्टैक वन में पुश कर देना है तो मेरा क्या हो जाएगा 11 कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर। फिर से मेरा इन क्यू है 22 तो 22 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और रियर मेरा कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर। इसका मतलब क्या हो गया, रियर मेरा यहां से क्लियर हो गया, क्लियर है। अब इस जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं इनक्यू को स्टैक के हिसाब से तो क्या बोल रहे हैं कि पुश करना है स्टैक टू में, मतलब स्टैक वन में, तो यहां पर 22 मेरा कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, क्लियर है। फिर इनक्यू है मेरा 33 तो 33 मेरा इस जगह पर आएगा ओरिजिनल क्यू में, ओरिजिनल क्यू में मेरा 33 इस जगह पर आएगा और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, रेयर, क्लियर है। और यहां से मेरा रेयर क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके हिसाब से हम लोग बात करें स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए तो इन क्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 33, क्लियर है। फिर आया डी क्यू, अगर डी क्यू का बात करें तो फ्रंट मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा यहां पर और डी क्यू क्या होगा, 11 डी क्यू होगा, जो वैल्यू डी क्यू होगा उसको हम यहां पर लिख रहे हैं एक बार, ठीक है, 11 डी क्यू होगा और यहां से मेरा फ्रंट क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं इस जगह पर डी क्यू करने के लिए तो मेरा 11 को डी क्यू होना चाहिए था, तो अब डी क्यू के ऑपरेशन में क्या बोल रहे हैं, इफ स्टैक टू इज एम्प्टी, क्या स्टैक टू एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑल एलिमेंट फ्रॉम स्टैक वन टू स्टैक टू, स्टैक वन से स्टैक टू में सारे एलिमेंट को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे होगा, पहले ऊपर वाला निकलेगा इधर आएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 33, फिर क्या आ जाएगा 22, फिर क्या आ जाएगा 11, सारे एलिमेंट्स ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 33 यहां से गायब, 22 यहां से गायब और 11 भी यहां से गायब, क्लियर है। अब इस जगह पर होने के बाद जो पहला वाला लाइन होने के बाद क्या बोल रहे हैं, पॉप फ्रॉम स्टैक टू, स्टैक टू से पॉप करेंगे तो पहले क्या वैल्यू निकलेगा, यही वाला वैल्यू निकलेगा 11, तो 11 मेरा इधर से ही पॉप हुआ था, इधर से भी पॉप हुआ, इसका मतलब सही मेरा चल रहा है, तो 11 को हम यहां से पॉप कर देंगे तो मेरा यहां से वैल्यू निकल गया, क्लियर है। फिर मेरा एक ऑपरेशन आ रहा है, कौन सा है, इन क्यू 44, तो 44 को हमको इंसर्ट करना है तो 44 यहां पर आएगा, क्लियर है। और आर का वैल्यू कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, तो आर मेरा यहां से गायब हो गया। अगर हम स्टैक के हिसाब से बात करें तो जैसे इन क्यू आया तो क्या बोल रहे हैं, पुश टू स्टैक वन, तो 44 मेरा कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, डी क्यू, डी क्यू करना है तो डी क्यू करने के लिए मेरा यहाँ पर फ्रंट क्या होगा, आगे की ओर इंक्रीमेंट करेगा, फ्रंट जैसे आगे की ओर इंक्रीमेंट करेगा फ्रंट मेरा यहाँ पर आ गया और फ्रंट यहां से क्लियर हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग बात करें तो इस जगह पर क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, डी क्यू करते समय इफ स्टैक टू इज एम्प्टी, क्या स्टैक टू एम्प्टी है, नहीं है तो एल्स में आएंगे पॉप फ्रॉम स्टैक टू, स्टैक टू से पॉप करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू निकलेगा 22, यहाँ पर भी मेरा वही 22 ही निकला था, तो मतलब हम लोग का सारा काम सही चल रहा है, तो हम यहां से 22 को निकाले हैं, यहां से ही मेरा 22 निकल जाएगा, क्लियर है। फिर से मेरा क्या बोल रहे हैं,
DQ, अब DQ ऑपरेशंस फिर से करेंगे तो मेरा फ्रंट कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और यहां से फ्रंट गायब हो जाएगा। इसका मतलब अब DQ क्या हुआ, 33। क्लियर है? अब इस जगह पर हम लोग चेक करें तो क्या बोल रहे हैं, क्या स्टैक टू एम्प्टी है, स्टैक टू एम्प्टी है, नहीं है, क्योंकि इसमें 33 है। तो क्या बोल रहे हैं, एल्स में पॉप फ्रॉम स्टैक टू, हम लोग 33 को निकाल देंगे। ऑब्वियस है मेरा 33 ही निकलेगा, इसलिए हम लोग यहां से इसको निकाल दिए, मेरा आराम से काम चल रहा है। अब उसके बाद फिर से हमको बोला जा रहा है DQ, अब फिर से DQ बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि DQ अब जब ऑपरेशंस करेंगे तो यहां पर मेरे पास ए की वैल्यू था 44, और इस वैल्यू में हम लोग यहां से इसको भी निकाल देंगे। तो हम लोग क्या बताए थे, जैसे इसको हम 44 को निकालेंगे और जब ये दोनों ए की को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट और रियर मेरा कहाँ आ जाएगा, इसी जगह पर आ जाएगा, -1 पर, यही चीज था। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से फ्रंट और रियर मेरा खाली हो गया। अब इस जगह पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या स्टैक टू एम्प्टी है, हाँ ऑब्वियस है एम्प्टी है। अगर वैसा एम्प्टी है तो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक वन टू स्टैक टू। तो स्टैक वन से स्टैक टू में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, 44, यहां से 44 मेरा क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पॉप फ्रॉम स्टैक टू, 44 को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, तो 44 ही मेरा निकलना चाहिए था, तो सेम वैल्यूज मेरे पास मिल गया, यहां से ये क्या हो जाएगा, क्लियर। अब फिर से इनक्यू करना चाहते हैं, इनक्यू फिर से करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या बोलेंगे, इनक्यू के लिए -1 पर था, तो मेरा यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 55। क्लियर है? यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 55 ओवर आई टू कर, और फ्रंट और रियर मेरा यहीं पर आ जाएगा, फ्रंट भी यहीं आएगा, रियर भी यहीं पर आएगा, तो यहां से फ्रंट रियर में सब गायब हो जाएगा, यही चीज होगा। अगर स्टैक के हिसाब से हम लोग बात करें तो स्टैक के हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुश करना है तो किस में जाएगा, स्टैक वन में, तो 55 मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अभी हम लोग गौर से देखेंगे, जिस जगह पर पहला ऑपरेशन किए थे, जहां से 11 को शुरू किए थे, बिल्कुल सारा ऑपरेशंस करते हुए वापस हम लोग उसी जगह पर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर दो स्टैक मेरे पास रहे, स्टैक वन और स्टैक टू रहे, तो हम लोग आराम से क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक क्या लगाए थे, जब भी इंसर्ट करना है तो हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे, जब भी पॉप करना है तो हम लोग इसमें से पॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉप करते समय चेक करेंगे, अगर ये स्टैक खाली है तो हम लोग सारे वैल्यूज को उठाकर पहले इसमें ले आएंगे और फिर ऊपर से पॉप करेंगे, और अगर जो स्टैक खाली नहीं है तो इधर से पॉप करेंगे। मतलब क्या हो गया, पॉप तो मेरा इसमें से स्टैक टू से होना ही होना है दोनों केस में, लेकिन क्या चीज है, अगर खाली है तो सारे एलिमेंट को ट्रांसफर करेंगे फिर पॉप करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली पॉप कर लेंगे। अगर ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग आराम से इन मतलब कि क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ए स्टैक। क्लियर है? ये था हम लोग का आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोग बहुत आसान तरीके से एक स्टैक के मदद से हम लोग एक क्यू को बनाए थे। लेकिन याद रखेंगे, जब भी हम लोग इंप्लीमेंट क्यू को करेंगे तो हम लोग को दो स्टैक का जरूरत पड़ेगा, और एक स्टैक जिसमें कि हम लोग इन क्यू ऑपरेशंस करेंगे, मतलब पुश का काम करेंगे, और पॉप का काम हमेशा हम लोग दूसरे स्टैक से करेंगे। उस तरीके से करने के कारण से हम लोग का क्यू का ऑपरेशन हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, और अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही चीज रहेगा कि जितना ज्यादा ज्यादा हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए, ताकि हम आगे भी कुछ बेहतर कर सकें।